मैंने भी अपना सीना चीर कर खून देकर मैंने पूजा किया। इन्होंने बहुत ही खतरनाक काम किया अपने छाती को चीर करके। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी सफर और मैं हूं आपके साथ एकता। दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती और अमिताभ बच्चन इन दोनों अभिनेताओं के फैंस आए दिन सुर्खियों में रहते हैं और एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए नजर आते हैं। मिथुन चक्रवर्ती और अमिताभ बच्चन एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे भी। इनके चाहने वाले जो फैंस हैं, यानी अमिताभ बच्चन के फैंस और मिथुन चक्रवर्ती के फैंस, जो आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। बेशक ये एक दूसरे के साथ झगड़ते हैं, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती और अमिताभ बच्चन एक दूसरे से कभी नहीं झगड़े और न ही उन दोनों का कभी एक दूसरे के साथ मनमुटाव हुआ। हालांकि 80 के दशक में मिथुन चक्रवर्ती को गरीबों का अमिताभ बच्चन कहा जाता था, लेकिन अमिताभ बच्चन का एक अपना ही अलग रुतबा हुआ करता था और मिथुन चक्रवर्ती भी किसी से कम नहीं थे। लेकिन हम यहाँ पर रुतबे और कॉम्पिटिशन के बात करने नहीं आए, हम आपको उस हादसे के बारे में बताने जा रहे हैं जो अमिताभ बच्चन के साथ हुआ था और जहाँ मिथुन चक्रवर्ती ने अमिताभ बच्चन के लिए अपने खून से लिखकर दुआ दी थी। जी हाँ, ये बात बिल्कुल आपने सही सुनी, ये बात खुद अमिताभ बच्चन ने बोली है। मिथुन को अमिताभ से इतना प्यार है कि अमित जी की जान बच जाए, इसलिए उन्होंने अपने सीने से खून निकालकर ऊपर वाले से दुआ मांगी थी। हे ऊपर वाले, मैं यही दुआ करता हूँ मेरे बड़े भाई यानी अमिताभ बच्चन जी की जान बच जाए और वह स्वस्थ होकर फिर से अपनी फिल्म की शूटिंग करना चालू कर दे। कुछ इस तरीके से मिथुन चक्रवर्ती ने अमिताभ बच्चन जी के लिए उस समय अपना प्यार जाहिर किया था, जिसके बारे में खुद अमिताभ बच्चन ने डांस रियलिटी शो के सीजन 2 में बात कही। बहरहाल मिथुन चक्रवर्ती इन बातों को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे, लेकिन अमिताभ बच्चन ने खुद ही मिथुन चक्रवर्ती से उस समय कहा कि आप खुद की जबान से इस बात को कहें, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती नहीं बोल सके और इमोशनल हो गए, जिसके बाद अमिताभ बच्चन ने खुद अपनी जबान से इन बातों का खुलासा किया। 1982 में मेरा कुली सेट पे एक एक्सीडेंट हो गया जिससे मैं बहुत गंभीर तरह से घायल हुआ और जितनी प्रार्थनाएं मिथुन दा ने की और जो प्राण इन्होंने लिया, इसका मिथुन दा खुद ही बयान करें तो अच्छा रहेगा। इन्होंने बहुत ही खतरनाक काम किया अपने छाती को चीर करके, जो रक्त बहा उससे, वो कसम खाई कि मेरी दुआ मांगी उन्होंने। वो काली माँ के पास गए थे और हमारे लिए उन्होंने पाठ किया और पूजा किया। तो इस तरह की भावनाएं रही हैं मिथुन दा की हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद तो नहीं दे सकता हूँ, उनसे बड़ा हूँ मैं, केवल स्नेह और प्यार दे सकता हूँ जो कुछ भी उन्होंने किया मेरे लिए। उस वक्त जब दादा बहुत बीमार पड़े तब बिल्कुल आशा बिल्कुल सबने छोड़ दी थी, औरों की तरह मैंने भी अपना सीना चीर कर खून देकर मैंने पूजा किया। बहरहाल मिथुन चक्रवर्ती और अमिताभ बच्चन इन दोनों की यह सच्ची कहानी है जो खुद अमिताभ बच्चन और मिथुन चक्रवर्ती ने अपने जुबान से डांस रियलिटी शो में कही थी। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हाँ, मिथुन चक्रवर्ती से जुड़ी हुई हर एक अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल जो आपके मन में चल रहा है वो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक यू।